हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? राजी खुशी होंगे। आज हम आपको आपके लिए लाए हैं नई रेसिपी। आज बनाएंगे बिग परोठा, बड़ा परोठा बनाएंगे आलू का। देखिए पूरी रेसिपी बाय स्टेप आपको बताएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम दोस्तों आलू को, दो आलू लेंगे, मैश कर लेंगे, और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची चॉप करके। साथ में इसमें हम डालेंगे मसाले, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर। और दोस्तों इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। देख सकते हो, अच्छे से एकदम बारीक मैश करना है। इसके बाद जो हमने रोटी की पेड़ी काटे दोस्तों, देख लो, पेड़े में इसको स्टफ करेंगे पूरा, एकदम जितना भी आलू है सब इसको स्टफ करना है। एकदम बिग परौठा बनाना, बड़ा परौठा। आज ये देखिए पूरा परौठा, देखिए हमने आलू इतना भर दिया कि परौठा फट रहा, देख सकते हो। तो इसको दोस्तों हम आसानी से बेलेंगे। देखिए बेलन से आटा लगा लेंगे, सूखा आटा, और दोस्तों इसको आराम से बेलना, नहीं तो सारा मसाला बाहर निकल जाएगा। और इसको अच्छे से स्टफ करना, ये देखिए। अब इसके बाद हमने इसमें देखिए पूरा, देखिए हमारा जो पूरा भर चुका है, देखिए पूरा मसाला हमने पूरा एकदम दबा के भरा। और ये देख लो तवे में भी, देख लो दोस्तों एकदम जगह नहीं है, पूरा एकदम फुल परोठा बिग साइज। और ये देखिए हम डालेंगे इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल डालेंगे, या आप घी भी डाल सकते हो, मक्खन बटर जो भी है आपके पास वो लगा सकते हो दोस्तों। ये देखिए बहुत ही शानदार सी रेसिपी। देखिए हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, अभी नहीं पका है। देखिए इसको पलटी मारेंगे हवा में उछाल के, देख सकते हो। ये एक नया ट्रिक है दोस्तों, आप भी सीख लीजिए। और ये देखिए हम इसमें ऑयल फिर से लगाएंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे दोस्तों, देख सकते हो। और जो हमारा परोठा है एकदम इसको कड़क पकाना है, जो क्रिस्पी करना है, क्रिस्पीपन लाना। देखिए अभी बहुत मुलायम है, इसको अच्छे से पकाएंगे तो क्रिस्पीपन आएगा। ये देखिए अब हमारा परोठा रेडी होते हुए पूरा क्रिस्पी हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। राज बोरा की रेसिपी वी सपोर्ट, प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।